आपकी डेजिग्नेशन क्या है सर? मैं डीटीपी सोनीपत जी सर। तो जो अन्नु कादियान का जो सर मामला इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हो सर? ये वैसे ही बना रखा है, बाकी ये तो रूटीन की कार्रवाई है और ये गांव रोट है जो कंट्रोल एरिया में नोटिफाइड है, उसके अंदर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी जिसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। ये ज़मीन है पवन दहिया के नाम, आई मुझे भी नहीं पता कि मैडम अनु कादियान कैसे बीच में आके अंदर इसमें मालिक बननी है, क्योंकि जब ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पवन दहिया के नाम है उसको हमने शोकाज नोटिस जारी किया हुआ है जो 13/4/2021 को जारी हुआ है। इसी तरह उसको अगला एक नोटिस और दिया गया है जो 26/4/2021 को जारी किया गया। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो दोस्तों अपना पता ही होगा भाई, पिछले कई दिन आता है एक मुद्दा चल रहा है अनु जी का, अपनी एक ही चिट्ठी है उसकी फिल्म सिटी करा दी जावे, और बहुत सारे आपने वीडियो देखी अपने चैनल पर लगातार वीडियो आने लग रही है, बहुत से कलाकारों का रिव्यू भी कर रहा है इस मैटर पर। तो भाई सर नीचे कमेंट आने लग रहे थे कि डीटीपी जी का इंटरव्यू लेगा और डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर जो है कि उसको पता है इस बात का सारा कि नोटिस भेजा था नहीं भेजा था। तो भाई डीटीपी जी का इंटरव्यू लिया है, वो अपना अगला वीडियो में दिखावांगे। और भाई आप किसी को भी बिना देखे दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक पूरी सच्चाई का पता नहीं चल सकता। तो हमारा यह प्रयास रहेगा जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता सबके इंटरव्यू लेकर आप तक रूबरू होते रहोंगे, ताकि दिखाते रहवा कि अब क्या मैटर चल रहा है, मामला शांत होया नहीं होया, किसके हक में फैसला होया है, तो सारा मैटर आपने दिखावांगे। तो एक और वीडियो भी देख लियो आप डीटीपी जी की, जिसमें साफ साफ बोल रखा है, और वो आप देखो क्या साफ साफ बोल रखा है। हाँ जी सर, एक बार आपकी डेजिग्नेशन क्या है सर? मैं डीटीपी सोनीपत जी सर। तो जो अनु कादियान का जो सर मामला इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हो सर? ये वैसे ही बना रखा है, बाकी ये तो रूटीन की कार्रवाई है और ये गांव रोट है जो कंट्रोल एरिया में नोटिफाइड है, उसके अंदर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी जिसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। ये ज़मीन है पवन दहिया के नाम, आई मुझे भी नहीं पता कि मैडम अनु कादियान कैसे बीच में आके अंदर इसमें मालिक बननी है, क्योंकि जब ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पवन दहिया के नाम है उसको हमने शोकाज नोटिस जारी किया हुआ है जो 13/4/2021 को जारी हुआ है। इसी तरह उसको अगला एक नोटिस और दिया गया है जो 26/4/2021 को जारी किया गया है, साइट के ऊपर पेस्ट भी किया गया है, नोटिस उसको मिला भी है, और पवन दहिया ने नोटिस के अगेंस्ट इस कार्यालय में एफिडेविट दिया कि मैं एग्रीकल्चर यूज़ करूँगा, जबकि वहाँ पर नवंबर और दिसंबर के अंदर वहाँ पर फिल्म सिटी बन के तैयार हो रही है। तो ये तो हाईकोर्ट का ऑर्डर थे, PIL डली हुई थी, ये डेमोलिशन पहले होनी थी, लेकिन ये 7 फरवरी को जब हाईकोर्ट से रीट डिसमिस हुई है तो उसके बाद हमने इसको तोड़ दिया, रूटीन की कार्रवाई थी। जी सर, नोटिस है सर आपके पास? प्रॉपरली नोटिस भेजिए, क्या क्या लिखा हुआ था नोटिस में? क्लियर कट लिखा हुआ कि भाई ये कंट्रोल एरिया में नोटिफाइड है और आप इसमें CLU लो, इन्होंने CLU के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किया। जी एक बार दिखा सकते हो सर वीडियो? हाँ, ये नोटिस रही, ये लो आप, ये नोटिस है। और आप ये देखो, ये प्योरली कॉमर्शियल है, ये फिल्म की वहाँ शूटिंग की बुकिंग की सारी वो देखो रही, इससे ज़्यादा और क्या करूँ, आज की डेट में वहाँ पर ये साइट से डिलीट कर रखी हैं जबकि हमने इनको निकाल दिया है। जी सर, वो तो ये कह रही थी कि कोई सबूत हो तो मेरे को दिखाओ। सबूत तो उसको दिखा जाएंगे जिसके नाम ज़मीन हो, जिसके नाम ज़मीन है वो तो सामने नहीं आ रहा ना। जी सर, वो तो अनु जी ये कह रही थी कि मेरे को कोई नोटिस देना चाहिए था, लेकिन नोटिस एक बात हो, ज़मीन आपके नाम होगी आपने कुछ कर तभी दिया जाएगा ना, ज़मीन जिसके नाम ज़मीन होगी नोटिस तो उसी को दिया जाएगा। जी सर, तो आपका कहना है कि वो प्रॉपरली इलीगल, बिल्कुल इलीगल एज पर ला कार्रवाई की गई। अरे ये रूटीन की कार्रवाई, कोई नई चीज़ नहीं है, हमारी डे टू डे रेगुलर कार्रवाई रहती है। जी सर। सर परमिशन लेने की क्या प्रोसेसिंग होती है? परमिशन लेने के लिए सरकार ने इतना बढ़िया सिस्टम कर रखा है, ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन से यहाँ विद इन 1 वीक के अंदर अपनी केस बन के ऊपर चला जाता है, और ऑनलाइन एप्लीकेंट के मोबाइल पर पता चलता है कि भाई हमारा केस क्लियर हो गया, कोई किसी को भेजा नहीं। सर उनका ये भी आरोप है प्रशासन पे कि हम जब यहाँ पे आए तो हमें मौका नहीं दिया गया कि
सामान निकालने का मेरी एटीपी मैडम अभी आपके सामने खड़ी थी, उसने अपनी स्टेटमेंट ये बताई है कि मैं वहाँ खड़ी थी, पहले पूरा सामान निकाल दिया था, उसके बाद इनको बोला था कि भैया आप पर दूर हो लो, हमें इसको हटाना। बिल्कुल बताया था सर, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर। ये वैसे ही बना रखा है, बाकी ये तो रूटीन की कार्रवाई है, और ये गांव रोट है जो कंट्रोल एरिया में नोटिफाइड है, उसके अंदर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी जिसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। ये ज़मीन है पवन दहिया के नाम, आई मुझे भी नहीं पता कि मैडम अनु का ध्यान कैसे बीच में आके अंदर इसमें मालिक बननी है, क्योंकि जब ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पवन दहिया के नाम है, उसको हमने शोकाज नोटिस जारी किया हुआ है। तो भाई वही आपने वीडियो देखी डीटीबी जी की, जिसमें अपना पता चल ही गया होगा सच्चाई का कि आखिर सच्चाई क्या है, नोटिस गया था नहीं गया था। तो भाई हमारी आप तक छोटी सी दरख्वास्त यह आएगा, अगर वीडियो देखी है तो भाई कमेंट जरूर कर दियो, ना लाइक की कंदे ना सब्सक्राइब की कंदे, अगर अच्छी लगे वैसे ना भाई डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दियो कि भाई क्या पता चले आपने इस इंटरव्यू में, सच्चाई का पता चला है या नहीं चला है, इस वीडियो तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली है। तो भाई ऐसे ही बने रहिए, ऐसे और भी इंटरव्यू लेकर आप तक रूबरू होते रहेंगे, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय हरियाणा। हाँ जी सर, एक बार आपकी डेजिग्नेशन क्या है सर? मैं डीटीपी सोनीपत। जी सर, तो जो अन्नू काद्यान का जो सर मामला इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हो सर? ये वैसे ही बना रखा है, बाकी ये तो रूटीन की कार्रवाई है, और ये गाँव रोट है जो कंट्रोल एरिया में नोटिफाइड है, उसके अंदर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी जिसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। ये ज़मीन है पवन दहिया के नाम, आई मुझे भी नहीं पता कि मैडम अनु का ध्यान कैसे बीच में आके अंदर इसमें मालिक बननी है, क्योंकि जब ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पवन दहिया के नाम है, उसको हमने शोकाज नोटिस जारी किया हुआ है जो 13/4/2021 को जारी हुआ है। इसी तरह उसको अगला एक नोटिस और दिया गया है जो 26/4/2021 को जारी किया गया है, साइट के ऊपर पेस्ट भी किया गया है, नोटिस उसको मिला भी है, और पवन दहिया ने नोटिस के अगेंस्ट इस कार्यालय में एफिडेविट दिया कि मैं एग्रीकल्चर यूज़ करूँगा, जबकि वहाँ पर नवंबर और दिसंबर के अंदर वहाँ पर फिल्म सिटी बन के तैयार हो रही है। तो ये तो हाईकोर्ट का ऑर्डर थे, PIL डली हुई थी, ये डेमोलिशन पहले होनी थी, लेकिन ये 7 फरवरी को जब हाईकोर्ट से रीट डिसमिस हुई है तो उसके बाद हमने इसको तोड़ दिया, रूटीन की कार्रवाई थी। जी सर, नोटिस है सर आपके पास? प्रॉपरली नोटिस नोटिस भेजिए, क्या क्या लिखा हुआ था नोटिस में? क्लियर कट लिखा होगा कि भाई कंट्रोल एरिया में नोटिफाइड है और आप इसमें CLU लो, इन्होंने CLU के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किया। जी एक बार दिखा सकते हो सर वीडियो? हाँ ये